सबको मेरी प्यार भरी जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग। एक फ्रेंड के ब्लॉग से इंस्पायर होकर मैंने भी ब्लॉग बनाना डिसाइड किया है और मेरे सारे ब्लॉग्स हाउस होल्ड जॉब पर डिपेंड होंगे क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। होप यू विल लाइक इट। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, जय माता दी। इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी 9 to 10 आज योगा क्लास है और योगा क्लास के बाद मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। इट्स आई डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस। सूर्य नमस्कार बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हमें ज़रूर डेली करना चाहिए सूर्य नमस्कार। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पे वर्क करता है। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं 10:15:30 तक घर पहुँच जाऊँगी और तब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। कि आप सब जानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई है तो रजाइयाँ निकालने का टाइम आ गया है। मैंने दीवान खोला है, अब मुझे सारी रजाइयाँ इनके नीचे है, इनके नीचे से मुझे रजाइयाँ निकाल के धूप में डालना है ताकि, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली है, ताकि रात तक शाम तक सब रजाइयों में अच्छे से धूप लग जाए। सो ये चारों रजाइयाँ बाहर निकल गई हैं और ये दीवान मैंने पहले की तरह फिर से सेट कर दिया है। बट रियली इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बाहर जा रही हूँ इन रजाइयों को धूप लगवाने के। सो अब चलते हैं हम किचन की ओर। आज मैंने मूंग दाल हलवा बनाने का प्लान किया है। मैंने ये 3-4 घंटे पहले दाल भिगो दी थी और साथ में मैंने ये नारियल रखा है क्योंकि मुझे लड्डू बनाने हैं, बेसन के लड्डू। आज सुबह ही मैंने डिनर का काम कर दिया। ये मैंने साग बनाया जिसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। कल दिन भर बैठ के मैंने पत्ते तोड़े हैं और फिर मैंने साग बनाया। तो अब हम चलते हैं मूंग दाल हलवा बनाने। इसके लिए हमें सबसे पहले दाल पीसनी होगी। दाल पीसने के बाद हम इसे घी में भुनना शुरू करेंगे। सो दाल पिस गई है। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कटोरी दाल के हिसाब से 1 कटोरी देसी घी में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी डाला है। बेसन और सूजी अच्छे से भुनना है और जब थोड़ा सा बेसन और सूजी अच्छे से भुना हुआ लग जाए, आपको अच्छे से भुन गया है, तो उसमें पिसी हुई दाल मिला देनी है। और यहाँ मैंने दूसरी साइड पे थोड़े से इलायची और केसर पानी में घोल के रख लिया है। तो जब ये अच्छे से घुल जाएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा, तो मैं इसमें दाल मिला दूँगी और उधर दूसरे पैन में मैं चाशनी बनाऊँगी। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है। इधर मेरी पानी जितनी कटोरी दाल था उतना ही पानी में उतनी ही चीनी डाल के चाशनी बन रही है। अब मैं इसमें दाल मिक्स करूँगी। हमने इसमें दाल मिक्स कर दी है और इधर पानी में चीनी अच्छे से घुल गई है। इसे हम बंद कर देंगे और दाल को बहुत ही शांति से धीमी आंच पर धीरे धीरे अच्छे से पकाएंगे। दाल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे 15-20 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दें। और उसके बाद हम इसमें ये पानी और सैफ्रन का पानी और इलायची कूट के डाल देंगे। तो मुझे दाल को भूनते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और हल्का हल्का सा घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। साथ साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रेडी कर लिए हैं, साथ में डॉटर के लिए बर्गर भी बना दिया। तो इट्स टाइम टू ऐड वाटर, शुगर सिरप एंड दिस सैफ्रन वाटर एंड ड्राई फ्रूट इन दिस हलवा। हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं सोकर उठ गई हूँ और अब मुझे जल्दी से जिम के लिए रेडी होना है। आधे घंटे में मेरी क्लास है। मक्की का आटा गूंदेंगे हम और यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी जिम की इवनिंग क्लास के लिए। इस कड़कती सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड है। चाहती तो मैं आराम से रजाई में बैठ के चाय पी सकती थी, बट मेरा इंटरेस्ट है जाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार क्लास होती है, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। Yeah, yeah, yeah.
मैं जिम से घर आ गई हूँ और शुरू हो गया है मेरा मक्की की रोटी बनाने का सफर। तो मक्की की रोटी एकदम रेडी हो चुकी है। अब जैसे जैसे सब आएंगे वैसे वैसे मैं डिनर सर्व कर दूंगी इसको गर्म करके। अब मैं चलती हूँ अपना डिनर लेकर अपना फेवरेट सीरियल देखने, गुम है किसी के प्यार में। 11 o'clock नाउ। सबको डिनर बहुत पसंद आया है, अब यहीं क्लोज करते हैं। तो सब काम निपट गया है, सबको खाना बहुत पसंद आया है, अब यहीं क्लोज करते हैं। इट्स 11 o'clock नाउ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट।